everyone, today we are going to discuss how to prepare a report on the topic health is wealth. The question is, you are Rohit Verma working for an NGO. Means आपका नाम रोहित वर्मा है, आप एक NGO के लिए कार्य करते हैं. लास्ट वीक यू अटेंडेड अ सेमिनार ऑन हेल्थ इज वेल्थ. लास्ट वीक आपने हेल्थ इज वेल्थ मीन्स स्वास्थ्य ही संपत्ति है इस टॉपिक पे आपने एक सेमिनार अटेंड किया. राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स ऑन द सेमिनार फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. मीन्स मानवता के लाभ के लिए आपको 120 से 150 शब्दों के बीच में इस सेमिनार पर रिपोर्ट लिखनी है. आंसर, सबसे पहले हेडिंग डालिए हेल्थ इज वेल्थ, देन रिपोर्ट बाय रोहित वर्मा. देखिए यहाँ क्वेश्चन में रोहित वर्मा नेम दिया गया है, इसलिए हमने रिपोर्ट बाय रोहित वर्मा लिखा है. क्वेश्चन में जो भी नेम होगा आपको यहाँ पे राइट करना है. गुड हेल्थ इज अवर रियल वेल्थ. अच्छा स्वास्थ्य हमारी वास्तविक संपत्ति है. वेल्थ कैन बी अर्नड एनीथिंग यूजिंग गुड हेल्थ. मीन्स संपत्ति किसी भी समय अच्छी हेल्थ के द्वारा हम कमा सकते हैं. वेल्थ मीन्स पैसा, रुपया, धन दौलत. हाउएवर गुड हेल्थ कैन नेवर बी अर्नड अगेन इन लाइफ. इस प्रकार अच्छा स्वास्थ्य कभी भी जीवन में फिर से अर्न नहीं किया जा सकता. वंस डिस्ट्रॉयड, एक बार यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसे फिर से आसानी से अर्न नहीं किया जा सकता. गुड हेल्थ कीप्स अस हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल. मीन्स अच्छा स्वास्थ्य हमें हेल्दी रखता है सभी क्षेत्रों में, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक. सभी क्षेत्रों में हमें स्वस्थ रखता है. गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय फॉलोइंग सम हेल्दी हैबिट्स लाइक डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, बैलेंस्ड डाइट, क्लीनलीनेस, प्रॉपर स्लीप, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एट्सेट्रा. मीन्स अच्छा स्वास्थ्य हम मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा. जैसे हमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, योगा, मेडिटेशन, संतुलित भोजन, स्वच्छता, नींद पूरी लेनी होगी, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी होगी, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना होगा एट्सेट्रा. रॉन्ग हैबिट्स आर जनरली द काउज ऑफ इलनेस. गलत आदतें ही कमजोरी का कारण सामान्यतया होती हैं. वी नीड टू गेट फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, प्रॉपर सनलाइट, बैलेंस्ड डाइट एंड बी अवे फ्रॉम जंक फूड फॉर आवर गुड हेल्थ. मीन्स हमें आवश्यकता होती है ताज़ा हवा, शुद्ध पानी, प्रॉपर सनलाइट की, संतुलित भोजन की, और हमें हमेशा जंक फूड से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा दूर रहना चाहिए. इन सच अ बिजी लाइफ एंड पोल्यूटेड इन्वायरमेंट. आज की व्यस्त जीवन और प्रदूषित वातावरण में इट इज़ वेरी हार्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड लिव अ हेल्दी लाइफ. मीन्स अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन करना और एक हेल्दी लाइफ जीना बहुत ही कठिन है. इट नीड्स अ केयरफुल वॉच एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स टू रिमेन हेल्दी. मीन्स आज हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है खुद को. हमें खुद को रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करवाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए. इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ टुडे, आज का जो टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकीय वातावरण है उसमें वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन मशीन्स फॉर परफॉर्मिंग डेली रूटीन टास्क. हम बहुत सारी मशीनों पे अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए आश्रित होते हैं. कॉन्सिक्वेंटली इसी प्रकार से फिजिकल लेबर हैज़ रिड्यूस्ड लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम्स. शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है जिससे बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है. बट इफ़ वी रिड्यूस अवर डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स, लेकिन यदि हम मशीनों पे अपनी निर्भरता को कम कर दें एंड परफॉर्म सम इजी टास्क्स अवर सेल्फ, इट वुड मेक अस फिट. और कुछ कार्य यदि हम खुद करें तो उसके कारण हम फिट रह सकते हैं. इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्फ फिट वी नीड टू बी एक्टिव ऑन डेली बेसिस. मीन्स हमें खुद को फिट रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ डेली करनी चाहिए जिससे हम एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे. वी नीड टू बी डिसिप्लिन्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. मीन्स हमें जीवन के हर कदम पर अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है तो ही हम हेल्दी रह सकते हैं. सो दिस इज़ अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक हेल्थ इज़ वेल्थ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.